आज की क्लास के अंदर हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स करेंगे। अब नॉर्दर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स हमने मैप पे तो कर लिए कि सर कौन सा कहाँ पर है। अब बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि हमारे पास, अगर मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स ऊपर की बात करूँ, तो हमारे पास टोटल कितने थे? हमारे पास थे टोटल तीन, एक था हिंदू कश, एक था हमारे पास कराकोरम और एक था हमारे पास हिमालय। और बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि मैंने ये बात बताई थी कि जब भी ऊपर से कोई एंट्री मारे तो वो हिंदू कश होगा, क्योंकि कश ऊपर ही हमेशा जाता है। जब आप कश मारोगे ऊपर जाएगा तो हिंदू कश भी कहाँ होगा? ऊपर। कराकोरम और हिमालय में मैंने बताया था कि कराकोरम इज हायर, मतलब ये है कि कराकोरम ऊपर है और हिमालय नीचे। अब बात यह है कि सर कराकोरम में, हिमालय में और हिंदू कश की क्या कहानी है, तो इसी कहानी समझा। तो देखिए, अगर मैं कराकोरम की बात करूं तो ये साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जा रहा है। सर कहाँ जा रहा है? साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, मतलब आपको ये बात पता है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा ईस्ट है और ये मेरा वेस्ट है। ये जा रहा है साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हमारे पास हिमालयास, हिमालयास के अंदर क्या है? हिमालयास के अंदर भी साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं हिंदू कश की बात करूं तो हिंदू कश कहाँ जा रहा है? तो हिंदू कश ऊपर से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो उसकी एंट्री हो रही है वो नॉर्थ ईस्ट से हो रही है, वो साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। सही है? तो हमें ये बात बतानी चाहिए कि कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो ये हमारे पास साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, और ये हमारे पास नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। फिर हमारे पास जो एवरेज हाइट होती है, वो एवरेज हाइट वाली जो है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास क्या है कि भाई 6,000 मीटर, 4,000 मीटर एंड 5,000 मीटर। जो कराकुरम है उसकी जो एवरेज हाइट होती है ना, मोस्टली जो माउंटेन्स की, वो होती है 6,000 मीटर। हिमालयास की जो एवरेज हाइट चल रही है वो कितनी चल रही है? 4,000 मीटर। और जो हिंदू कश की जो एवरेज हाइट होती है वो कितनी होती है? 5,000। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कराकुरम की। अगर मैं कराकुरम रेंज की बात करूं तो हमारे पास क्या है कि जो कराकुरम रेंज है ये 200 किलोमीटर वाइड है, मतलब ये इतनी लंबी चलती हुई आ रही है, चलते आ रही है। इसके पहाड़ जो है वो इतने सारे चलते 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 आ रहे हैं। सही है? फिर आपको याद बतानी चाहिए कराकोरम की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6,000 मीटर्स। फिर अगर मैं इसकी जो हाईएस्ट पीक है कराकोरम रेंज की, वो है K2। कौन सी है? K2, जो कि तकरीबन 8,600 मीटर्स पर है। और फिर आप ये बताओगे कि ये मोस्टली जो है वो स्नो एंड ग्लेशियर से कवर्ड हुए भी होते हैं। और आप अगर इसकी बात करोगे सर कौन से ग्लेशियर्स, तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया। तो हमारे पास क्या है कि ये जो है कराकोरम रेंज 200 किलोमीटर वाइड है, इसके मोस्टली जो एवरेज हाइट होती है वो 6,000 मीटर पे होती है। K2 8,600 मीटर्स पर है। और आप ये बताओगे मोस्टली स्नो एंड ग्लेशियर्स पे क्या है? मुश्तमिल है। और आप ये बताओगे इसकी पीक्स बड़ी शार्प होती है, मतलब पतली टाइप होती है, नैरो डीप नैरो वैली अवेलेबल यहाँ पर होती है। इसी तरीके से अगर मैं हिमालयास की बात कर लूँ तो हिमालयास थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कराकोरम के अंदर कोई फर्दर इसकी सब कैटेगरी नहीं है, हिमालयास के अंदर है। हिमालयास की अगर मैं बात करूँ तो हिमालयास कराकोरम से थोड़े नीचे है। और हिमालयास की अगर मैं बात करूं तो वो तीन कैटेगरीज के अंदर है। एक हमारे पास होते हैं द ग्रेट हिमालयास, एक होते हैं द लेसर हिमालयास और एक होते हैं सब हिमालयास। अब अगर मैं बात करूं द ग्रेट हिमालयास, तो द ग्रेट हिमालयास बेसिकली कहाँ पर है? कश्मीर वाली साइड पर। और आप ये बताओगे इनकी जो एवरेज हाइट है हिमालयास की वो है 6,000 मीटर। जो हाईएस्ट पीक है वो है नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत। और आप ये बताओगे इसके अंदर एक रिवर चलते हुआ है, रूपाल रिवर। और ये काफी क्या है, एक अच्छी बात आपको पता होनी चाहिए कि एक रिवर चलते हुआ है इसके हिमालयास की थ्रू, वो रूपाल रिवर। और आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या होता है कि मोस्टली जो आपके पास हिमालयाज हैं, जो कि ग्रेट हिमालयाज हैं, उनकी वो मोस्टली क्या होती है? स्नो से वो कवर हुए होते हैं। क्या होते हैं? स्नो से कवर, और ग्लेशियर्स बहुत ज्यादा है। तो आप ये बताओगे कि हमारे पास जो ग्रेट हिमालयाज हैं उनकी जो एवरेज हाइट है वो है 6,000 मीटर, उनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है नंगा पर्वत, रूपाल वहां से एक रिवर फ्लो होते हुए आ रहा है। और आप ये बताओगे कि वहां पर क्या है कि वो स्नो से कवर्ड है और ग्लेशियर से कवर्ड। इसके बाद है लेसर हिमालयस। लेसर हिमालयस थोड़े से ग्रेट हिमालयस से नीचे की तरफ, और इनकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं होती। इनकी तकरीबन 1,800 से लेके 4,500 मीटर तक की हाइट होगी। जैसे कि आप इसकी एग्जाम्पल दे सकते हो मरी के अंदर जो पहाड़ है, आप ये बता सकते हो नथिया गली जो मरी के बराबर नहीं है, एक गोरा गली भी है। तो आप ये बताओगे इधर मोस्टली आपको ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, स्नो गिरते हुए मिलेगी लेकिन ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इधर टेम्परेचर इतना वो नहीं है जितना अपर साइड पर। फिर आ जाते हैं सब हिमालय। सब हिमालय का दूसरा नाम एक और भी होता है, उसको हम शिवालिक भी कहते हैं। और आप ये बताओगे कि जो ये हमारे पास सब हिमालयाज होते हैं ये बिल्कुल नीचे की तरफ, और जब ये नीचे की तरफ है तो इनका जो वो होती है हाइट, और जो जिस हाइट पे ये वो रहे तो हमारे पास ये 600 1200 इस तरीके से वो कम हाइट पर।
और मोस्टली ये कहाँ पे ना अटक की तरफ, और अटक आपको पता है कि पोटवार प्लाटियो वाली साइड पे थोड़ा सा उससे भी नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास थोड़ा सा पड़ता है। तो बात सारी ये है कि हमारे पास एक है ग्रेट हिमालय जो ऊपर कश्मीर की साइड पे, फिर हमारे पास है लेसर हिमालय जो मरीयोर की साइड पे, फिर थोड़ा सा उससे नीचे सब हिमालय। फिर अगर मैं हिंदू कश की बात करूँ तो हिंदू कश की जो एवरेज हाइट चल रही है वो कितनी है, 5,000। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है 3,000। और आप ये बताओगे ये मोस्टली किससे कवर्ड बाबा होगा, आप ये बताओगे कि मोस्टली जो कवर्ड बाबा होता है ये भी बर्फ और से कवर्ड हुआ होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो सर इसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बात ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो गिलगित चित्राल यहाँ से ही पास हो रहे। आप बताओगे एक लोवरी पास टनल है जो चित्राल की तरफ जा रहा है वो भी हमारे पास यहाँ से ही निकल रहा है, शंगला पास जो कि सवात और उस पर अपर उस पर कनेक्ट कर रहा है वो भी हमारे पास यहाँ से जा रहा है, तो ये हमारे पास है। आप ये बताओगे इधर मोस्टली आपको वेजिटेशन नहीं दिखेगी क्योंकि ऊपर बिल्कुल आपको स्नो से क्या दिखेगा, ये कवर्ड दिखेगा, सर्दी काफी ज्यादा होती है तो जिसकी वजह से वहां पे आपको वेजिटेशन इतनी ज्यादा नहीं दिखेगी। फिर आप ये बताओगे कि अब वहां के लोग कैसे रहे, लाइफ ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी, मतलब ये है कि भाई वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। तो आप ये बताओगे नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर क्या होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं। अब जब पीक्स क्या है बहुत बड़ी है, आप ये बताओगे रफ टोपोग्राफी या लैंडस्केप है जिसकी वजह से ह्यूमन मूवमेंट के मतलब वहां रेलवे नहीं बन सकते, वहां पे एयरपोर्ट्स प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहे, वहां पर जो है वो सी पोर्ट नहीं है तो ट्रैवलिंग काफी मुश्किल है। फिर आप ये बताओगे कि वहां पर जो लैंड है वो बहुत कम अवेलेबल है क्योंकि मोस्टली माउंटेन्स है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो सकती क्योंकि माउंटेन्स के अंदर सर्दी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो वहां पर एक मसला ये है कि भाई मोस्टली क्या है रॉक टोपोग्राफी है, फिर हमें वहां पर टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, इस तरीके से हमें टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट प्लोइंग करनी पड़ती है तो काफी मुश्किल है। फिर आप ये बताओगे कि वहां पर जो है टूरिज्म टूरिज्म जो है वो टूरिज्म से लोग पैसा कमा रहे, वहां पे लाइफ स्टॉक कुछ हद तक प्रैक्टिस हो रहा है जैसे कि नोमैडिक और ट्रांस ह्यूमन वहां पे प्रैक्टिस होता है। आप ये बताओगे वहां पे एचईटी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं काफी ज्यादा जो कि अच्छे हैं। फिर आप यहाँ पे बताओगे कॉटेज इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा है, लेकिन मुश्किल क्या है गैस नहीं होगी, क्यों, क्योंकि गैस जम जाती है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, सर्दी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन मुश्किल है, 6 महीने के लिए रोड्स क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे। आप ये बताओगे कि अगर मैं ऊपर की तरफ रह रहा हूँ जो माउंटेनियस एरियाज है नॉर्दर्न माउंटेन्स वाली जो जगह है वहां पर रहना सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली। अब जैसे पानी है तो पानी अगर जमा हुआ है तो कैसे उसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा ना, सर्दियों में थोड़ी मेल्ट होगा तो काफी ज्यादा मुश्किल। तो ये हमारे पास कहानी है कि सर नॉर्दर्न माउंटेन्स में किस तरीके से ये कहानी है। अच्छा ड्रेनेज पैटर्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि पेपर में आपके पास ये बहुत ही कम आएगा, कोर्स का पार्ट है लेकिन आएगा ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं तो इसका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, अगर मैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की बात करूँ तो रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि उसके साइड वाले जो रिवर्स वो आपके पास वो है। अब अगर मैं बात करूं तो रिवर इंडस क्या करेगा, ऊपर से बहता हुआ आएगा कराकोरम और से पैदावार है। फिर आप ये बताओगे कि फिर वो नीचे की तरफ आएगा हिंदू कश और की तरफ आएगा, हिंदू कश की तरफ भी मूव कर रहा है हर जगह से, मतलब क्या हो रहा है फ्लो तेवार है। ट्रिब्यूटरीज जैसे कि हमारे पास वही झेलम चिनाब सतलज और ब्यास, रिवर ब्यास भी हमारे पास है। तो कहने का मकसद है कि भाई यही रिवर्स वहां पर आपके मौजूद है जहां से पानी आ रहा है, जहां पे पानी जमा हुआ होता है, पानी मेल्ट होता है, वो पानी फ्लो तेवार है ग्लेशियर्स के थ्रू, उसमें पानी आ रहा है। तो ये सारी कहानी ड्रेनेज पैटर्न की है जो कि बिल्कुल ही बकवास चीज है। अब हम आ जाते हैं कि सर वेस्टर्न माउंटेन्स, अगर मैं वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से हैं, वजीरिस्तान हिल, सफेद को, सुलेमान रेंज, किरदार रेंज। आपको याद होगा मैंने मैप्स के अंदर आपको ये बात बताई थी कि वजीरिस्तान हिल्स और किरदार रेंज हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सफेद को कहाँ जाता है बेटा, गोरे लोगों के पास जाता है, अफगानिस्तान की तरफ जाता है क्योंकि गोरे लोग वहां रहते हैं। वजीरिस्तान हिल सफेद को से नीचे है, मैंने आपको बताया था सुलेमानी कीड़ा बीच में ही मिलता है, सुलेमान रेंज बिल्कुल बीच में और कीरतार रेंज सिंध की साइड पर था। अब अगर मैं इन वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करूं तो ये बलूचिस्तान की तरफ लग रहे हैं और कुछ ऊपर की तरफ है। अब अगर मैं बात करूं तो वजीरिस्तान हिल्स की, तो आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, जो वजीरिस्तान हिल्स है वो कहाँ पर है, वो सफेद गो से थोड़ी नीचे है, वहां पर इतनी वेजिटेशन वो नहीं हो रही, और मोस्टली जो ये हाइट क्या है वो कितने हैं, 3,500 इससे हाइट पे ग्रो हो रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ सफेद गो, अगर मैं सफेद गो की बात करूं तो हमारे पास क्या है कि ये जो है वो कितनी हाइट के होंगे, 4,000, ये ऊपर की तरफ है ना 4,700। और आप ये बताओगे इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, सिकेराम हाईएस्ट पीक है।
इसी तरीके से हमारे पास सुलेमान रेंज है। तो सुलेमान रेंज जो है वो हमारे पास क्या है, ये भी काफी अच्छी रेंज है, वाइड रेंज है, क्योंकि अगर आप देखो तो मोस्टली ये बीच के अंदर सेंटर के अंदर है। हाईएस्ट पीक इसकी तख्ते सुलेमान है जो कि तकरीबन 3380 मीटर के उस पे है। आप ये बताओगे इधर लाइम स्टोन भी मिलता है और ये सारी चीजें। फिर अगर मैं किरतार रेंज की बात करूँ तो वो सिंध की तरफ है, तो वो बहुत नीचे है, तो वो तकरीबन 2100 मीटर की हाइट पे ग्रो रहा है। इधर भी इतनी वेजिटेशन है नहीं। और आप ये बताओगे कि हमारे पास क्या है, वहाँ पे एक लियारी रिवर, लियारी हो जा रहा है और हब रिवर जा रहे हैं, जिससे क्या है उधर वो है। ये बिल्कुल सारी बकवास चीजें हैं, मतलब आपने इस पर इतना फोकस नहीं करना, सिर्फ आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि ये लो है, ये हाई है, ये सिर्फ ये चीजें पता होनी चाहिए। लाइफ ऑफ पीपल एंड इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली क्या है, रफ टोपोग्राफी, तो इधर रोड्स बनाना मुश्किल है, इधर ट्रैवलिंग मुश्किल है, इधर रेलवे इतनी अच्छी नहीं है, इधर एयरपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं है। आप ये बताओगे कि इधर सी सी नीचे की तरफ पड़ता है, वो किरदार की तरफ फिर भी पड़ जाएगा, वरना वैसे नहीं पड़ेगा। फिर आप ये बताओगे कि भाई ये जो हमारे पास है इसके अंदर वेजिटेशन इतनी नहीं है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट बहुत ज्यादा है। फिर आप ये बताओगे इधर मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं, जिससे लोग पैसे फिर भी थोड़ा बहुत क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं कि मिलते हैं, लेकिन ये कि वो भी अभी हम पूरा 100% उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। तो और फिर आप ये भी बताओगे कि यहाँ पर क्या मुश्किल आते हैं, क्या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है, पानी का मसला है काफी ज्यादा, पानी का मसला है, तो जिसकी वजह से वही क्रॉप्स इतने अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रहे, फूड शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये आपको माउंटेनियस प्रॉब्लम्स पता होने चाहिए। फिर वही ड्रेनेज पैटर्न है कि सर कौन कौन से रिवर्स हैं, तो अगर हम बात करें तो सफेद को काबुल रिवर के पास है। फिर अगर मैं बात करूं तो नीचे रिवर इंडस आ जाएगा। अगर मैं बात करूं तो नीचे हमारे पास क्या है कि छोटे रिवर्स हैं जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, कोल्लम, तोची, गुमाल। फिर हमारे पास क्या है कि अगर मैं उससे नीचे की तरफ आ जाऊं तो हमारे पास जैसे एक रिवर बोलान है, उधर उस पे आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें दूसरे रिवर, सब रिवर मिल जाएगा। तो कहने का मकसद है कि ये ड्रेनेज पैटर्न है जो कि हमें पता होना चाहिए कि रिवर काबुल है, रिवर हब, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए ड्रेनेज पैटर्न बताना है कि ये रिवर्स हमारे पास वहां पे मौजूद है। तो हमें क्या मुश्किल आती है वहां पे रहने के अंदर, और किस तरीके से हम वहां पे रह रहे हैं, और हमारी कौन कौन सी रेंजेस हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो होपफुली आप लोगों को ये कहानी समझ आ गई होगी कि हमारे पास नॉर्थन माउंटेन्स एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, जो मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो पेपर में आएगी, वो ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सर क्या मुश्किल हो, दिमाग से करना है, इसमें रट्टाफिकेशन की जरूरत ही नहीं। मोस्टली दिमाग का सवाल आएगा इसमें, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास K2 हाईएस्ट रेंज है या फिर ये हाईएस्ट रेंज है, पता होना चाहिए। आप पता करके जाओ ताकि अगर पूछ लिया जाए तो आप ये ना कहो सर आपने क्या बता दिया, लेकिन फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग का खेल है, इंशाल्लाह आपको इजीली हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई होगी।